फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। जी 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 देखो, मेरा नाम जोगिंदर सिंह हो गया और हमारी संस्था का नाम हो गया अपना कृषि विज्ञान केंद्र, और हमारी एनजीओ भी चलती है जनित सेवा संघ के नाम से, और हम लाइव स्टॉक में लेके जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक जो भी लाइव स्टॉक में आता है सारी चीज़ों में डीलिंग करते हैं और सारी चीज़ों में ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा जी, तो सर इस वीडियो के माध्यम से हम रैबिट फार्मिंग के बारे में जानकारी जी, जी, देने वाले हैं जी। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि भाई ये खरगोश पालन होता क्या है जी, और इससे कोई कैसे जुड़ सकता है और कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। देखो, एक खरगोश को सिस्टमेटिकली तरीके से पालने का तरीका ही खरगोश पालन कहलाता है। खरगोश पालन में होता क्या है, यूनिट का सिस्टम होता है। तो यूनिट बोलते हैं हम जिसमें खरगोश रहते हैं, तो उसको आप यूनिट बोल सकते हो, किट बोल सकते हो, देसी भाषा में खरगोश का रहने का पिंजरा भी बोल सकते हो। तो एक जो यूनिट होती है वो 32,000 रुपये की होती है। तो इसमें हमारी साइड से आपको एक तो पिंजरा हो गया जिसमें खरगोश रहेंगे, पिंजरा जिस पे खड़ा होता है वो स्टैंड हो गए, मादा जिसमें बच्चे देती है डिलीवरी बॉक्सेस हो गए, दाना रखने के लिए फीडर हो गया, पानी के लिए ऑटोमेटिक वाटर ड्रिप सिस्टम लगा के देते हैं। टोटली और टोटली मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे यहाँ से दी जाती हैं। आपको 1 रुपये की खरगोश की बीमारियों की दवाइयाँ मार्केट से नहीं खरीदनी होती। एक यूनिट में 10 खरगोश जाते हैं, 7 मादा और 3 नर। जो हम खरगोश देते हैं इनमें से बाय चांस अगर कोई खरगोश बीमारी से अगर मान के चलो कोई मॉर्टलिटी हो जाती है तो उसका हम निःशुल्क दूसरा खरगोश आप लोगों के लिए देते हैं। दूसरी चीज़ यह कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन मेरा ही होता है, हमारा ही होता है माल पहुंचाने का, और जो प्रोडक्शन होता है उसको लेने के लिए भी हमारी ही गाड़ियां जाती हैं। तो दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा ही होता है। और रही बात दाने की, तो दाना हम किसान लोगों के लिए उधारी में दे देते हैं। तो जब हम हमारा जब प्रोडक्शन होता है उसको लेने के लिए हमारी गाड़ियां जाती हैं तो उस टाइम हम दाने के पैसे आपसे काट लेते हैं जी, जी। इसमें अपन कुछ ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखो कौन सी ब्रीड जी जी मैं बता देता हूँ आपके लिए। देखो इसमें मोस्टली 2 ब्रीड होती हैं, एक तो एंगोरा ब्रीड होती है और एक ब्रॉयलर रैबिट होता है। तो एंगोरा जो ब्रीड होती है वो केवल शीत प्रदेश होते हैं जहाँ पे ठंडियाँ पड़ती हैं वहाँ पे पाले जाते हैं। बाकी का हम लोग एंगोरा में काम नहीं करते, हम लोग ब्रॉयलर में काम करते हैं। तो ब्रॉयलर की 6 ब्रीड होती हैं, सोबिया चिंचला, ग्रे जायंट, न्यूजीलैंड वाइट, वाइट जायंट, ब्लैक ब्राउन एंड डच। ये जो ब्रीड है इनको आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पाल सकते हैं सर जी, है ना। इसमें अगर कोई आना चाहे तो कौन कौन आ सकता है, इसका पालन कौन कौन कर सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखो आजकल तो क्या है, कोरोना के बाद में जो भी अगर सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने गांव की साइड में रुख किया हुआ है, तो खरगोश पालन वैसे देखो थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके कोई भी स्टार्ट कर सकता है। यानी कि जो पहले से बिजनेस कर रहा है या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या घर की गृहणियाँ हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस बिजनेस को थोड़े से प्रशिक्षण लेने के बाद में आराम से स्टार्ट कर सकता है। और इसको ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर रैबिट है तो देखो सर्दी गर्मी का तो उनको भी ध्यान रखना होता है, हमें भी ध्यान रखना होता है, बाकी का ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑल ओवर इंडिया इस बिज़नेस को कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। भाई कितने पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, या अगर हम बात करें तो कितने एरिया की आवश्यकता पड़ती है, ये थोड़ा सा जी जी जी। देखो जहाँ तक पूंजी की बात आती है तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप अपना देखिए कि अपने को प्रॉफिट कितना चाहिए। तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उस हिसाब से आप यूनिट लगाइएगा। तो एक यूनिट है वो मैंने बता दिया आपको कि 32,000 रुपये का पड़ता है आपको एक यूनिट। अब जितनी आप यूनिट लगा के चलोगे तो उतना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो देखो हम वैसे 5 यूनिट से कम तो यूनिट लगाते ही नहीं है, 5 यूनिट का सेटअप तो आपको लगाना ही लगाना है, बाकी का तो 10, 20, 50 यूनिट का कितना भी सेटअप लगा सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना आप यूनिट लगाओगे उतना आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। और जगह की बात आती है तो एक यूनिट 10x3 की होती है, 10 फिट लंबाई होती है, 3 फिट चौड़ाई होती है एक यूनिट की। तो जितनी आप यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही जगह चाहिए होती है। जैसे 10 यूनिट का फार्म लगा रहे हो तो आप लंबाई ले लीजिएगा 60 फिट और चौड़ाई है वो 15 फिट ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी जगह चाहिए स्टॉक के लिए। तो 15x60 का एनएफ फार्म है यानी कि 900,000 स्क्वायर फिट बहुत जगह है 10 यूनिट के लिए। और जिन भाइयों के पास में कम जगह है तो क्या होता है हम यूनिट के ऊपर यूनिट भी सेट कर देते हैं, बीच में फाइबर या पॉलीथीन टाइप का कुछ भी है वो लगा दीजिएगा आप, जिससे ऊपर वाले खरगोश की गंदगी है वो नीचे वाले खरगोश पे नहीं पड़ती है। तो जैसे कम आप यूनिट अगर 1-2 यूनिट से भी
स्टार्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाऊंगा उनको। तो आप अपना ट्रांसपोर्ट लगा के तो एक यूनिट दो यूनिट कितने से भी स्टार्ट कर सकते हो, बाकी आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आपको मिनिमम 5 यूनिट लगानी पड़ेंगी। और ये भी मैं बता रहा हूँ, 5 यूनिट हम उनको ही लगाएंगे जो हमारा 600-700 किलोमीटर के एरिया में हमारा आ रहा है। अगर 1000 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर से ऊपर है तो 10 यूनिट से कम नहीं लगाएंगे साहब जी। जब कोई भी हम बिजनेस अपनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन जरूर देखते हैं जी। तो जी, इसमें रैबिट फार्मिंग में क्या प्रॉफिट मार्जिन? देखो प्रॉफिट की जहाँ तक बात आती है तो देखो ये क्या है कि जो हम मादा देते हैं वो लगभग टोटली मादा क्रॉस देते हैं, वो आपके यहाँ पे जाते ही बच्चे देती है। इसका जो गर्भकाल होता है मादा का वो 28 से 32 दिन का होता है, यानी कि एक महीने का होता है। तो एक महीने से पहले सारी की सारी मादाएँ हैं वो आपके यहाँ पे जाके बच्चे दे चुकी होती हैं। अब इनके जो बच्चे हैं वो 2 महीने में बिकने लायक हो जाते हैं, यानी कि 1 किलो का वज़न पकड़ लेते हैं। 3 महीने में बच्चा 2 किलो का वज़न पकड़ लेता है। तो हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से, 300 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो एक जो मादा है उसके 10 स्तन होते हैं, तो अपनी अवस्था पर आके मादा 10-12 बच्चे तक आराम से इजीली दे देती है। लेकिन पहले जो प्रोडक्शन निकल के आएगा वो आपको 5 बच्चे का औसतन एवरेज निकल के आएगा। कोई मादा 7-8 बच्चे दे रही है तो कोई 4-5 बच्चे भी दे देती है, कोई 3-4 बच्चे भी दे देती है। तो आपको 5 बच्चे का औसतन एवरेज निकल के आएगा। तो एक यूनिट में अपनी 7 मादा होती हैं, तो 7 मादा का 5 बच्चे के हिसाब से 35 बच्चे हो गए। मान के चलो आप 2 केजी का भी करके दे रहे हो तो 70 किलो वजन हो गया आपके पास में, और 300 रुपया पर केजी के हिसाब से हम आपसे खरीद रहे हैं। तो ये टोटली जो है वो 21,000 रुपया का आपका एक बैच गया। अब इसमें से जो दाने पानी का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, ये काट लिया जाएगा। बाकी का जो बचत होता है वो फार्मर का होता है। और जो प्रॉफिट है ये आपको हर 45वें दिन की होने वाली होती है, इसमें हर महीने की नहीं होती, क्योंकि जो मादा है वो हर 45वें दिन बच्चे देती है। तो आगे का बैच तो आप 2 किलो का करके निकालो, 2.5 किलो का करके निकालो, यानी कि 3 महीने में निकालो, 3.5 महीने में निकालो, 4 महीने में निकालो, लेकिन जो पीछे से जो बैचेस बनेंगे वो आपके हर 45वें दिन के बनते हैं। तो जो इससे इनकम जनरेट होती है वो हर 45वें दिन की इनकम जनरेट होती है। मैं देखो ज़्यादा नहीं तो मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, अगर कोई 10 यूनिट लगाता है तो 10 यूनिट पे आपको हर 45वें दिन यानी कि हर बैच पे 65,000 से 70,000 रुपया आराम से बचा के दे देता है। इसमें लेबर का खर्चा, लाइट का खर्चा और दाने पानी का खर्चा कट जाता है। उसको काटने के बाद में आपको 65,000 से 70,000 रुपया बच जाता है। बहुत सारे किसान लोग 1,00,000 रुपये तक बचा लेते हैं, लेकिन वो देखो पहले नहीं बच पाता है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक इधर साइड में तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और इधर साइड में मादा की जो बच्चे देने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो वो इस हिसाब से है, लेकिन पहले जो आपको इनकम आने वाली होती है वो 65,000 से 70,000 रुपया आपको इनकम होने वाली होती है। ये तो हुई प्रॉफिट की बात। जी जी, अब लॉसेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं ये भी थोड़ा सा बताइए। देखो जहाँ तक लॉस की बात आती है तो देखो कोई भी लाइव स्टॉक ऐसा नहीं है जहाँ पे, या मैं लाइव स्टॉक की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉस की संभावनाएं नहीं होती। हम लोग क्या है कि जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक सारी चीज़ों में हम डीलिंग करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन हम किसी को सलाह नहीं देते कच्ची खेती करने की, यानी कि कच्चा पालन करने की हम सलाह नहीं देते। हम केवल और केवल सलाह देते हैं भेड़ बकरी पालन की और खरगोश पालन की। इन दोनों बिजनेस में आदमी आँख मीच के आप कितना भी पैसा लगा दीजिएगा, 2 रुपये का घाटे का सिस्टम नहीं है, बशर्ते कि आप लापरवाही ना करो। इसमें दोनों पालनों में, खरगोश पालन ही नहीं, दोनों पालनों की बात कर रहा हूँ, दोनों पालनों में अगर आप लापरवाही करते हो तो आपको लॉस जाता है, अन्यथा आपको 1 रुपया का आपको घाटा नहीं जाता। और मैं आपको लिखित में दे दूंगा, अगर खरगोश पालन 1 रुपये का भी घाटा देता है भैया मेरा माल मेरे को वापस दे दो, अपने जो पैसे लगाए वो विद ब्याज के, 2 रुपया सैका की ब्याज के अपने पैसे आप वापस ले लो। तो इसमें लापरवाही के अलावा कोई घाटे का सिस्टम नहीं है साहब। सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी इसका प्रमोशन किया जाता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो सरकारी योजनाएं और सब्सिडी से संबंधित थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, देखो हर एक चीज़ में कोई सा भी पालन कीजिएगा आप, उसमें सरकार कुछ ना कुछ आपको देती है, किसी में कुछ सब्सिडी देती है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। लेकिन देखो मैं सबसे कहना चाहूँगा आपको, ये जो योजनाओं के लाभ हैं वो केवल और केवल हमारी एनजीओ के तहत ही किसानों को मिलते हैं। अदरवाइज आपको प्राइवेट फर्म के थ्रू किसी से भी लगाओ, ना तो कोई आपको लोन करा के देगा, ना कोई सरकारी योजनाएं उसका लाभ दिला पाएगा आपको। तो आप हमारे थ्रू लगाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की
ऐसी स्कीम है IDSR करके, अगर 5 यूनिट का फार्म लगाते हो तो 2.25 लाख रुपए का आपको ऋण मिल जाता है, जिसमें कि अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। SC ST कैटेगरी वालों को 75,000, OBC जनरल वालों को 53,000 रुपए की इसमें सब्सिडी मिल जाती है। और बाकी का तो कितने की किस्त आती है ये सारी चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, लोन के लिए, तो क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। बाकी का लोन और सब्सिडी हम लोग दिला के चलते हैं किसान लोगों के लिए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और कन्फर्म कर देता हूँ कि ये जो खरगोश पालन में जो इन्वेस्टमेंट है ये तो आपको वन टाइम करना ही करना होता है, जो लोन और सब्सिडी का पैसा है वो आपके अकाउंट में 45 दिन के बाद में आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जी। तो सर जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहता है या भाई आपसे जुड़कर वो फार्म शुरू करना चाहता है, डीलरशिप जी लेना चाहते, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो डीलरशिप के लिए हम कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं लेते, कोई किसान या कोई भी बिजनेसमैन है वो हमारे से बिजनेस कर रहा है, खरगोश पालन का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो 10 यूनिट का सेटअप अगर लगाता है तो हम उसको उनके एरिया की डीलरशिप देते हैं। डीलरशिप में हम 35,000 तो पर मंथ का उनको एज ए सैलरी देते हैं। जितने भी फार्म लगते हैं वहाँ पे उनका 10% वन टाइम प्रॉफिट हो जाता है। अगर ऑफिस चला के अगर डीलरशिप चलाते हैं तो 5,000 रुपया ऑफिस का किराया भी हमारी साइड से दिया जाता है, और जो जितने भी फार्म डीलर के अंडर में लगे होते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन जाता है तो उस प्रोडक्शन में भी डीलर का 10% होता है। तो ये जो इनकम है उनकी परमानेंटली एंड फ्लेक्सिबल इनकम होती है, और ये इनकम मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो कम से कम 50,000 से लेके 1-1.5 लाख रुपये तक आराम से ईजिली पहुँच जाती है जी। खरगोश पालन के ऊपर ट्रेनिंग वगैरह की अगर हम बात करें तो कोई अगर करना चाहते तो ट्रेनिंग की क्या सुविधाएं हैं और लेबर वगैरह की जो बात अगर हम करें कि देखो आदमी का स्किल्ड होना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोई काम करो, कोई भी बिजनेस करो, देखो उसको बिना जाने बिना सोचे समझे तो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। तो पालनों की जहाँ बात आती है तो उसके लिए ट्रेंड होना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन देखो जिन लोगों के पास में टाइम है तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि वो आप आके फार्म का विजिट करके या समझ के तब फार्म लगाइएगा। वो चीज़ें अलग होती हैं, आपके पास में टाइम नहीं है तो हम लोग जब यूनिट लगाते हैं तो 2-3 प्रोसीजर होते हैं यूनिट लगाने के। पहले तो पिंजरे सेट करके आते हैं, तो जब पिंजरे सेट करके आते हैं तब आप लोगों को समझा के आते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, जब माल जाता है तो मेरे यहाँ से एक ट्रेनर जाता है, एक स्टाफ में से हम ट्रेनर भेजते हैं, वो आपको लेके दाने पानी से लेके विद मेडिसिन तक टोटली और टोटली समझा के आता है। तो आप ट्रेनिंग का निश्चिंत रहिएगा। आप मेरे को पता है कि आप मान के चलो दाना रखना जानते हो, पानी रखना जानते हो, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लेके दाने पानी से लेके विद मेडिसिन तक टोटली और टोटली आपको समझा के आते हैं। रही बात लेबर की, अगर कोई आदमी ये कहता है कि जिनके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो है, उनकी रुचि तो है, लेकिन उनको क्या है कि आदमी नहीं है, लेबर नहीं है, तो निश्चिंत रहिएगा मैं अपने यहाँ से लेबर भी प्रोवाइड कराता हूँ और अच्छी लेबर प्रोवाइड करा देते हैं आप लोगों के लिए, तो लेबर का भी निश्चिंत रहिएगा आप लोग जी। इसका प्रोडक्शन कहाँ बेचे, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि भाई जी कल जी मैं समझ गया बढ़ता है, जी, 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 साल भर कोई किसी को फार्म खोले जी, हो जाता जी, जी, है तो देखो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आदमी पालन तो कर लेता है, लेकिन जिन पालनों की या जो भी खेती कर रहा है आदमी, अगर उनका लोकल मार्केट नहीं है, जैसे बहुत सारी अपनी फसल होती है जैसे तुलसी की खेती हो गई, एलोवेरा की खेती हो गई, तो इनका क्या है लोकल मार्केट नहीं होता, टोटली और टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही चलती हैं। ऐसे ही खरगोश पालन हो गया, खरगोश पालन का कोई लोकल मार्केट नहीं होता, तो होता क्या है कि डीलर के थ्रू कभी यूनिट मत लगाइएगा विदाउट कंपनी जाने हुए। और हमारा सिस्टम तो ये कि हम लोग NGO चलाते हैं जनित सेवा संघ के नाम से, तो हमारे को तो कहीं पे भी खरगोश मिल जाए तो हम उसको नहीं छोड़ते, यानी कि कोई भी बेचता है हम उससे खरीद लेते हैं, चाहे वो हमारा फार्म है या किसी दूसरे ने लगाया हुआ फार्म है, क्योंकि हम लोग क्या है खरगोश के व्यापारी हो गए एक तरीके से, तो हम लोग खरीदेंगे खरगोश, बेचेंगे खरगोश, तो हमारे को प्रॉफिट इनकम जनरेट होगी। तो देखो ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि खरगोश पालन तो आप किसी से भी लगवा सकते हो, लेकिन बाद की जो सर्विसेज होती हैं वो डिपेंड करता है। तो खरगोश आपसे कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, तो खरगोश खरीदने का जो सिस्टम है वो मेरे फार्मों का तो ये है कि भैया हम लोग दाना ही देते हैं उनको फार्मर्स को अपने यहाँ से, तो दाने के जो पैसे हैं वो उसी में से काटते हैं, प्रोडक्शन में से ही कटता है दाने का पैसा, तो हमारे यहाँ तो आप निश्चिंत रहिएगा जी। अब अगर हम बात करें कोई फार्म शुरू भी करता है तो वो आपसे ही क्यों लगवाए, आप क्या क्या सुविधाएँ देते हैं? देखो हमारे से लगवाने से आपके एक नहीं अनेक फायदे हैं। फर्स्ट नंबर बात तो ये कि जो मेडिसिन है
हम 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 साल तक दवाइयां मेरे यहाँ से देते हैं भाई साहब हम। तो कोई लोग, कुछ लोग तो ये कि मेडिसिन किट दे देते हैं 6 मंथ का, लेकिन हम मेडिसिन किट नहीं देते, हम लगातार कंटिन्यू 7 साल तक मेडिसिन देते हैं जो ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं देता। दूसरी चीज़, खरगोश जो हम देते हैं उनका 100% इंश्योरेंस होता है। 7 साल तक अगर कोई भी खरगोश बीमारी से डैमेज होता है तो उसका मैं 7 साल तक दूसरा खरगोश चेंज करके देता हूँ, यानी कि दूसरा देता हूँ। उसको 3 फोटो भेजने होते हैं दोनों साइड से और बीच में से लेंगी कि ये नर है या मादा है। तीसरा चीज़ ये कि आप लोगों को खरगोश मेरे पास में पहुँचाने नहीं है, जो प्रोडक्शन है वो आपको पहुँचाने नहीं है, मेरी खुद की गाड़ियाँ चलती हैं, वो माल उठा के लेके आती हैं। तो और चौथी चीज़ ये हो गई, जो लोन व सब्सिडी है वो ऑल ओवर इंडिया कोई कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी सिवाय हमारी एनजीओ के। तो हमारी एनजीओ ही एक ऐसी संस्था है जो मतलब यही नहीं है कि आप मेरे से खरगोश पालन लगा रहे हो, आप दूसरे किसी से लगाया हुआ है, आपको लोन चाहिए तो भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। जी ठीक है जी, धन्यवाद।